नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 22। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। हर एक कंसेप्ट को मैंने पूरा डिटेल में बताया है अपने पिछले वीडियो में, ठीक है? तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्योंकि वो वीडियो जब आप देखोगे ना, तो जो प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन हैं उनको आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 22 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पे रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनका एडिशन आप लोगों को करना है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5/36 प्लस 6/42। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा मेथड क्या होता है? डिनोमिनेटर को सेम करना। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो चलो इसको हम किस मेथड से करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। मतलब क्या, 5/42 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 36 यहाँ पे आ जाएगा, 6/36। फिर डिनोमिनेटर में क्या आता है? तो जो दोनों डिनोमिनेटर्स रहते हैं उनका एक में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अभी इधर देखना, 5 2 जा मल्टीप्लाई करना है ना, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21। ओके, फिर प्लस 6 6 जा 36 3 कैरी, 6 3 जा 18 19 20 21 यहाँ पे आ गया 216। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आंसर मिलता है। तो इसको हमें अलग से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 2 6 जा 12 1 कैरी, 2 3 जा 6 17 4 6 जा 24 4 3 जा 12 240 2 1 5 1 1 5 1 2 लिख देते हैं यहाँ पे 1 5 1 2। ठीक है, अब आगे क्या करोगे? तो इन दोनों को प्लस कर दो, 0 प्लस 6 6 आएगा, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 4 26 अपॉन में 1 5 1 2। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी ध्यान देना, क्या हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं? कोई एक कॉमन नंबर जिससे हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? मतलब आपको क्या करना है ना, इसे छोटा करना है। जब तक आपका फ्रैक्शन छोटा हो ना, तब तक आप छोटा करते जाओ, ठीक है? तो क्या ये छोटा हो सकता है, बताइए? लेकिन वो कॉमन नंबर होना चाहिए। मतलब अगर आप इसको 2 से कैंसिल कर रहे हो तो नीचे वाला भी 2 से ही कैंसिल होना चाहिए। अगर आप इसको 4 से कर रहे हो तो नीचे वाला भी 4 से ही होना चाहिए। ओके, तो चलो अभी हम इसको किससे कैंसिल करें? हम इसको कैंसिल करते हैं 2 से ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो, 2 2 जा 4 फिर 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यहाँ पे आ गया 213, यहाँ पे 2 7 जा 14 इसमें 7 बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ओके, देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि मैंने कैसे किया, तो आप ऐसे करके डिवाइड करके भी देख सकते हो। जैसे 426 है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करके देखो, आपको यही आंसर मिलेगा, 213 मिलेगा। और 1512 को 2 से डिवाइड करके देखो तो आपको ये आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, 756। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोगों को डायरेक्टली समझ नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हो। वैसे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। ओके, अब आप बताइए क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं? तो 3 से कैंसिल हो सकते क्या ये दोनों? देखो 3 7 जा 21 है ना, 3 7 जा क्या होता है, 21, और 3 1 जा 3 यहाँ पे आ गया 71, यहाँ पे 3 2 जा 6 इसमें 7 बचेगा, 3 5 जा 15 3 2 जा 6। ओके, इतना समझ में आया? अभी आप सोचिए इसको और छोटा किया जा सकता है क्या? सोचिए और छोटा कोई एक कॉमन नंबर जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर है? तो ऐसा तो हमको कोई नंबर पता ही नहीं है। मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, ये 71/252। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसे करके आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ कि ऐसे आपको एरो करना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में मत करिएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब उसके बाद हम
सेकेंड सब क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेकेंड सब क्वेश्चन को, लिखती हूँ यहाँ पे, वन इंटीजर टू बाय थ्री प्लस टू इंटीजर फोर बाय फाइव। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। एकदम ध्यान से देखो, थ्री का मल्टीप्लाई वन में करोगे, ठीक है, तो थ्री इंटू वन, फिर ये टू का क्या करोगे, तो यहाँ पे प्लस लिखना, उसके बाद टू। क्या क्या हमने सुनो, थ्री का मल्टीप्लाई वन में किया, थ्री इंटू वन, और ये जो टू था ना इसको इसमें प्लस कर देना है। फिर अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में थ्री आएगा। देखो जब भी ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिखे ना, तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। ऐसे तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ना इसको अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, आपको आता है ना, अभी अभी हमने वही तो किया। चलो करते हैं, यहाँ पे प्लस, फाइव का मल्टीप्लाई किस में करोगे, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही, फाइव इंटू टू, फिर फोर का क्या करोगे, प्लस फोर, अपॉन में क्या आएगा, फाइव, थ्री वन ज़ा थ्री प्लस टू अपॉन थ्री, प्लस फाइव टू ज़ा टेन प्लस फोर अपॉन फाइव, थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा अपॉन थ्री, प्लस टेन प्लस फोर फोर्टीन अपॉन फाइव। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे 5 अपॉन 3 प्लस 14 अपॉन 5। तो अभी इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है, पहला तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दूसरा क्या होता है डिनोमिनेटर को सेम करना, यानी कि एलसीएम निकालना। ओके, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या फिर डिनोमिनेटर्स को सेम करो। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो रहे तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे, एक बार ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिससे आपको सारा मेथड है और आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर पाओ अपने एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिनोमीटर्स कैसे सेम हो सकते हैं, यहाँ पे थ्री है यहाँ पे फाइव है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें फाइव से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे डिनोमीटर सेम मिलेंगे, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन प्लस फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, है ना, डिनोमीटर्स तो हो गए सेम। अभी क्या करोगे, तो देखो इसमें आपने 5 से मल्टीप्लाई किया ना नीचे, तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखना, ये रूल होता है। वैसे आपने 6 स्टैंडर्ड में सीखा ही होगा, है ना, और यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे आप ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 फाइव सा क्या हो जाएगा, 25, और 14 थ्री ज़ा थ्री, फोर ज़ा ट्वेल्व कैरी वन, थ्री वन ज़ा थ्री वन फोर, 42। तो अभी क्या करोगे, देखो दोनों डिनोमिनेटर्स क्या है, दोनों के सेम सेम है ना, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो उनको हम बस एक ही बार लिखते हैं, ओनली वन टाइम। ओके, फिर जो ऊपर वाले दोनों वैल्यूज रहते हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, मतलब 25 प्लस 42 दोनों को एक साथ ले लेना। अभी क्या करोगे, यहाँ पे क्या प्लस का साइन है तो प्लस ही करोगे ना, 5 2 7 2 4 6 और यहाँ पे 15। अब आप बताइए कि क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई ऐसा कॉमन नंबर है। अगर 2 से चाहो कैंसिल करना तो 2, तो 2 से तो कोई भी, दोनों में से कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होंगे, 3 से नहीं, किसी से भी नहीं होंगे, ठीक है, यही आपका हो गया फाइनल आंसर, समझे। तो ऐसे करना है। सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, अभी थर्ड सब क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ थर्ड सब क्वेश्चन, 11 अपॉन 17 प्लस 13 अपॉन 19। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे, दो मेथड बताए मैंने, एक तो डिनोमिनेटर को सेम करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो क्या करना चाहिए हमको यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। चलो करते हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि आप डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हो तो करो, बिंदास, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो 19 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे प्लस 13 का मल्टीप्लाई 17 में कर देंगे अपॉन 17 इंटू 19, ठीक है। कैसे किया, देखो 11 का मल्टीप्लाई 19 में किया, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस आया,
17 का मल्टीप्लाई 13 में किया, फिर अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया। ओके चलो अभी आगे करते हैं। तो 19 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 11 नाइन ज़ा 99, कैरी 9 आएगा, 11 वन ज़ा 11 और 9 कितना हो जाएगा तो 20, 209। ओके फिर यहाँ पर क्या होगा, तो इसको तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, 7 3 ज़ा 21, 2 7 ज़ा 7 9, 1 3 1 1, 9 10 11 12, 221 अपॉन, अभी 17 × 19 करिए, 17 × 19। चलो बताती हूँ मैं कैसे करना है, 17 × 19। ओके चलो मल्टीप्लाई करो तो 9 7 से क्या होता है, 63 होता है, कैरी 6 7 7 और 6 तो कितना हो जाएगा, 7 13 होगा, हाँ 13, 1 9 ज़ा 1, 3 9 और 3, 10 11 12, यहाँ पे 3 323। ओके अभी क्या करोगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों को प्लस कर दो। चलो करते हैं, 9 प्लस 1, 10 का 0, 1 कैरी 0 2, 3 हो जाएगा, कैसे 3 आया, एक कैरी था ना तो 0 2 2, और ये वाला इसमें जुड़ गया तो 3, 2 प्लस 2 4 4 30 और 323। अब बताइए क्या आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा कॉमन नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो सके, सोचिए सोचिए कोई ऐसा नंबर है, 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा है, नहीं है, यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। ओके चलो अभी हम लोग फोर्थ वन देख लेते हैं, तो फोर्थ वन भी मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, ईजी है ये भी, अगर आप चाहो ना तो ये फोर्थ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही फोर्थ को भी करना है, वैसे मैं बता दे रही हूँ लेकिन अगर आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। चलो लिखती हूँ इसको, 2 इंटीजर 3 बाई 11 प्लस 1 इंटीजर 3 बाई 77। देखो अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा ना तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहीं पे नीचे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं और उसको ना यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं फोर्थ वन को, क्योंकि उधर ना दिखाई नहीं देता है साफ साफ। चलो मैं लिखती हूँ, 2 इंटीजर 2 बाई 11 3 बाई 11 प्लस 1 इंटीजर 3 अपॉन 77। ओके तो ये आपका क्वेश्चन है, अभी कैसे करोगे, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इस फॉर्म में। ओके तो कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना वैसे ही, 11 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में और 3 का क्या प्लस 3 कर दोगे अपॉन में 11 प्लस, फिर 77 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में प्लस 3 अपॉन 77। ओके अभी देखना ध्यान से, 11 2 का क्या हो जाएगा, 22 प्लस 3 अपॉन 11 प्लस 77 वन ज़ा 77 प्लस 3 अपॉन 77। ओके अभी 22 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 22 में 3 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 अपॉन 11 प्लस, यहाँ पे देखो 77 प्लस 3 तो 77 प्लस 3 हो जाएगा 80 अपॉन 77, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डिनोमिनेटर को सेम करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है 11, यहाँ पे 77, तो क्या यहाँ पे 77 आ सकता है, तो अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे 77 मिल सकता है ना, तो मैं क्या करूँगी इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, और अगर मैं नीचे कर रही हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ओके इसको आप बिल्कुल भी भूलना मत, ये रूल होता है, नीचे किया तो ऊपर भी करना है, ऊपर किया तो नीचे भी करना है। तो चलो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 7 ज़ा 77 और 25 7 ज़ा 75 कितना होता है 35, 3 कैरी 7 2 ज़ा 14 15 16 17 175 प्लस 80 अपॉन 77। देखो इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे करना। फिर डिनोमिनेटर सेम है ना, तो क्या करोगे,
जब भी डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो उसको एक ही बार लिखना, डिनोमिनेटर को बस एक ही बार लिखना ऐसे करके, और ऊपर वाले दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेना, 175 प्लस 80। अभी क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 5 प्लस 0 5 आ जाएगा, और 7 और 8 तो 7 7 14 1 15, तो 15 का 5 कैरी 1 1 और ये 2, 255 अपॉन 77। अब बताइए कि क्या हम इन दोनों को किसी भी नंबर से कैंसिल कर सकते हैं क्या, सोचिए सोचिए, कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, कर सकते हैं 11 से या फिर 7 से, नहीं कर सकते, ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका फाइनल आंसर, 255 अपॉन 77। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें 4 सब क्वेश्चंस दिए गए थे और सब के सब मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप समझ पाओगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस इन्वॉल्विंग रेशनल नंबर्स। देखो पहले क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जैसे आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना वैसे ही इसको भी करना है, बस उसमें आप क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस करना है। ये आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन है, 7 upon 11 minus 3 upon 7। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो या फिर डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं ना डिनोमिनेटर्स को सेम भी कर सकती हूँ या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपकी मर्जी, चाहे जैसे करो आंसर तो वही मिलेगा, ठीक है। दोनों ही मेथड में आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा, तो क्या करें, चलो हम लोग क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बड़ी आसानी से। इसमें अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसमें 11 से, तो डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे सेम। देखो 11 7 सा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो 11 7 सा 77, और यहाँ पे भी वही होगा, देखो 7 इंटू 11 करेंगे तो 77, ठीक है। अभी नीचे अगर आपने मल्टीप्लाई किया है किसी भी नंबर से तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, और इसमें आप 11 से कर दोगे, तो 7 7 से क्या हो जाएगा, 49, और 11 3 जा 33, समझे। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए तो क्या करते हैं, हम एक ही बार लिखते हैं और फिर ऊपर क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, यानी कि 49 माइनस 33, ठीक है। अभी माइनस का साइन है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 9 माइनस 3 कर दीजिए 6 आता है, और 4 माइनस 3 कर दीजिए 1 आता है अपॉन 77। अब सोचिए क्या हम इन दोनों को किसी नंबर से कैंसिल कर सकते हैं, वो कॉमन नंबर होना चाहिए, मतलब उस नंबर से ये भी कैंसिल होना चाहिए, ये भी कैंसिल होना चाहिए, है कोई ऐसा नंबर, नहीं है, तो बस यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। समझ में आया, देखा आपने कितना आसान था, जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही करना था, है ना। चलो ये तो हो गया, अभी उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लिख रही हूँ, सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है, 13 upon 36 माइनस 2 upon 40। ओके, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर डिनोमिनेटर्स को भी सेम कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, कैसे करना है आप सोचो। अगर डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, देखो इसमें ना आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। ओके, तो जब आप ऐसा करेंगे ना तभी डिनोमिनेटर सेम हो पाएंगे, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 360 मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप 49, ओके 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, रुको यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 से क्या होता है, 36, 0 है तो 0। तो देखा आपने, अगर डिनोमिनेटर आप लोगों को सेम करना है तो इसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 9 से, ठीक है, समझे। और अगर नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और इसमें 9 से मल्टीप्लाई,
थर्टीन टेन जा 130, टू नाइन जा 18, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखना, फिर दोनों को एक साथ ले लेना। चलो आगे करते हैं, 10 माइनस 8 किया तो 2, और यहाँ पे 2 माइनस 1 किया तो 1, और यहाँ पे 1, 112, 360। अब बताइए क्या हम इन दोनों को किसी नंबर से कैंसिल कर सकते हैं? तो एकदम ध्यान से देखो, हम लोग ना इन दोनों को 8 से कैंसिल कर सकते हैं। किस से? 8 से। तो चलो 8 से कैंसिल कर देते हैं। 8 से कैंसिल करने का मतलब क्या? 8 से डिवाइड करना है दोनों को। ओके, तो क्या हो जाएगा? देखो 8 वन ज़ा 8, इसमें से कितना बचेगा आप पूरा डिटेल में डिवाइड करके देखना, ठीक है? ऐसे करके, है ना, आपको आता होगा ऐसे डिवाइड वाला, आता है ना? तो 8 वन ज़ा 8 माइनस करने पे कितना आएगा? 8 9 10 11 3, 8 4 ज़ा क्या होता है? 32। तो यहाँ पे क्या आ गया? 40। और 360 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगी तो चलो यहाँ पे करके देख ही लेते एक बार। 8 4 ज़ा 32 माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 0 को लिख लिया, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे क्या आ गया? 45। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अभी थर्ड सब क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड सब क्वेश्चन क्या है? वन इंटीजर 2/3 माइनस 3 इंटीजर 5/6, ठीक है? ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। तो क्या करोगे? सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ओके, तो कैसे होगा? 3 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, और 2 का क्या, यहाँ पे प्लस 2 कर दो, अपॉन 3 माइनस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, उसके बाद प्लस 5 अपॉन 6, 3 वन ज़ा 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 अपॉन 6। ओके, फिर 3 प्लस 2 5 अपॉन 3 माइनस 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा? तो 23। ओके, अपॉन 6। तो क्या किया हमने? देखो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो अभी आप क्या कर सकते हो, या तो डिनोमिनेटर को सेम करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, देखो इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इससे क्या होगा, यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, नीचे क्या तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ओके, तो देखो अभी ध्यान से, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 माइनस 23 अपॉन 6, इसमें आपको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको 6 ही चाहिए था ना, तो 6 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? किसी से नहीं। अभी क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखना, दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेना। अभी 10 माइनस 23 करेंगे तो कितना आता है आंसर? देखो 23 में से 10 को माइनस करोगे तो 13 आएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा? तो देखो ध्यान से, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 10 बड़ा है कि 23 बड़ा है? क्या बड़ा है? 23 बड़ा है। इसके आगे कौन सा नंबर, कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस अपॉन, अपॉन में आ जाएगा 6, ठीक है? माइनस 13 अपॉन 6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, देखा आपने कितना आसान है। अभी लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं, 4 इंटीजर 1/2, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 1/3। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करोगे? इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ओके, तो करते हैं, कैसे होगा? 2 का मल्टीप्लाई करना है 4 में, फिर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस है ना, 3 का मल्टीप्लाई करना है 3 में, फिर प्लस 1 अपॉन 3, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 अपॉन 3, 8 प्लस 1 9 अपॉन 2 माइनस 9 प्लस 1 10 अपॉन 3। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो या तो डिनोमीटर्स को सेम भी कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो सब में हमने डिनोमीटर को सेम ही किया है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है? चलो क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, 3 इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, और 2 इंटू 3 कर देंगे, है ना, 2 इंटू 3, ये 3 है। फिर 9 3 सा क्या होता है? 27 माइनस 10 2 सा 20, 2 3 सा 6, 27 माइनस 20 करेंगे तो क्या आता है? 7 अपॉन 6। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 अपॉन 6।
यहाँ पे आपका फोर्थ सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही हमने अपना सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, यानी कि अभी ये जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं इन्हें आप लोगों को करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप लोग सीख चुके हो, अभी आप सीखोगे मल्टीप्लाई। तो देखो ये भी बड़ा ही आसान है, ये आपका क्वेश्चन है 3/11 इंटू 2/5। ओके, तो कैसे करोगे देखो, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना रहता है, याद रखना हमेशा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसमें भी हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन नहीं, ध्यान से देखो, प्लस और माइनस में ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को कब करना है, जब प्लस रहे या फिर माइनस रहे। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप करोगे क्या, सामने सामने से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में और 11 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 11 का मल्टीप्लाई 5 में। 3 2 6, 11 5 55, क्या आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। चलो अभी हम सेकेंड सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है, 12/5 + 4/15, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करोगे आप देखो, ये सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, ओके। तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है ना, तो आप लोग कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन कैंसिल कैसे करना है, ऊपर और नीचे ऐसे करके, ऐसा नहीं कि सामने सामने से कैंसिल कर दोगे, नहीं तब तो गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे क्या है 12 है और यहाँ पे 15, तो हम जानते हैं कि 3 के टेबल में 12 भी आता है और 15 भी आता है ना। देखो 3 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 3 5 क्या हो जाएगा 15, समझ में आया। तो ऐसे करके आप कैंसिल कर सकते हो, फिर यहाँ पे 4 × देखो यहाँ पे 4 बचा है ना, तो 4 × 4/5 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, यहाँ पे अभी 5 बचा हुआ है, तो 5 × 5, 4 4 16, 5 5 25, आगे इसको कर सकते हो नहीं कर सकते, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके चलो अभी उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड वन देख लेते हैं। तो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया गया है -8 - 8/9 × 3/4। ओके ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो -8/9 है × 3/4 है, तो यहाँ पे आप कुछ कैंसिल कर सकते हो, अगर कुछ कैंसिल हो ना तो कैंसिल कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखो यहाँ पे 4 1 4 4 2 8, यहाँ पे क्या आया -2 और यहाँ पे क्या आया है 1 आया है। यहाँ पे देखो 3 1 3 3 3 9, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का ही साइन आएगा। अभी उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए और 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, मतलब आंसर क्या आएगा -2/3, समझ में आया। फिर यहाँ पे लास्ट सब क्वेश्चन है, ये तो बड़ा ही आसान है, बताती हूँ, 0/6 × 3/4। तो क्या करोगे, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करो और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करो, तो 0 3 0 6 4 24, हमेशा ध्यान में रखना इसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। अगर ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिला ना 0/ यहाँ पे कुछ नंबर, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे हम लोग 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर में करते तो हमको 0 ही मिलता है, किसी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 में करते तो हमको 0 ही मिलता है, वैसे ही अगर आप अगर डिवीजन में भी 0 आ गया ना, तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद 2 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जो कि बहुत ही आसान आसान है। अभी तक हमने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीखा,
मल्टीप्लीकेशन भी सीखा, अभी हम क्या सीखेंगे डिवीजन। ओके तो चलो आप इसको लिखो, फिर मैं आगे के दो क्वेश्चन भी बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, राइट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अभी ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो जब मैंने ये लेसन एक्सप्लेन किया था ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को पूरा बताया था कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले वो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना, उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं ना उनको सॉल्व करना, तो आपको प्रैक्टिस सेट्स बहुत ही ईजी लगेंगे। ओके तो चलो अभी इसको हम लोग करते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब क्या करना है, देखो ये 5 नीचे है ना, तो इसको ऊपर ले लो, 2 ऊपर है तो इसको नीचे ले लो, बस इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये हो गया। फिर उसके बाद ये तो इसका आंसर हो गया, अभी सेकेंड वन क्या है, -3/8, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 8 नीचे है ना तो इसको ऊपर ले लो, 3 ऊपर है तो नीचे ले लो। माइनस लिखना है कि नहीं, माइनस को लिखना है, माइनस रहता है ना तो माइनस को लिखना ही है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड सब क्वेश्चन है, देखो मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, -17/39, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 39 को ऊपर ले लीजिए, 17 को नीचे, और यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस भी आएगा। ओके फिर फोर्थ सब क्वेश्चन है, only 7, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। देखो आप चाहे 7 लिखो या फिर 7/1 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके तो इसके कुछ नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको ऊपर ले लेते हैं, और जो न्यूमरेटर में रहता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं ऐसे 1/7। तो इसका यानी 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/7। फिर यहाँ पे एक और सब क्वेश्चन है, -7/(1/3). ओके तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो बड़ा ही आसान है ये भी, एक काम करो माइनस को बाहर लिख दो, ब्रैकेट में लिखना 7/(1/3). अब क्या करोगे, तो इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, कौन से फॉर्म में, तो इस फॉर्म में। कैसे होगा, माइनस फिर 7 3 जा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं एकदम अच्छे से, 7 3 जा+1/3, 7 3 जा+21/3, और ये प्लस वन इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, हमको भूलना नहीं है। अभी यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो माइनस को भी बाहर रहने दो, 21 + 1 = 22/3, अभी ब्रैकेट को हटा दीजिए तो -22/3। ओके तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इस फॉर्म में, ठीक है, रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे, हमको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, याद रखना हमेशा, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए ना हमको। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर है उसको कर दो न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में, तो 3/22, माइनस का साइन है तो माइनस तो आएगा ही। ओके तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, कैरी आउट द डिविजन्स ऑफ रेशनल नंबर्स। अभी आपको करने हैं डिविजन्स। ओके ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, 40/12/10/4, तो कैसे करना है, देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिखो 40/12, ठीक है, और ये जो डिवीजन है ना इसको कन्वर्ट करो मल्टीप्लीकेशन में। ओके तो जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या, 4 को ऊपर लिखना और 10 को नीचे लिखना, ठीक है। अगर आप डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी आपका फ्रैक्शन रहेगा उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर इसके आगे तो आप कर सकते हो, है ना, जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था मल्टीप्लाई, वही तो है ना, वैसे ही करना है। चलो करते हैं, देखो एक काम करते हैं, 0 से 0 इधर कट गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे क्या आया, 4 × 1 और 3 × 1, तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, ये हो गया आपका आंसर। चलो अभी सेकेंड वन देख लेते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -10/11
डिवाइडेड बाय माइनस 11 अपॉन 10, माइनस 11 अपॉन 10। तो कैसे करोगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई, तो 10 चला जाएगा ऊपर, 11 आ जाएगा नीचे। ओके, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन तो रहेगा ही। अभी देखना ध्यान से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे, तो 10 इंटू 10, चलो मैं करती हूँ यहाँ पे, माइनस 10 इंटू माइनस 10 अपॉन 11 इंटू 11, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 टेन 100। ओके, 11 इंटू 11 करेंगे तो 121। क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, चलो सेकेंड वन भी कर लिया, अभी थर्ड वन देखते हैं। तो थर्ड सब क्वेश्चन है -7/8 डिवाइडेड बाई -3/6। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे, तो कैसे होगा -7/8, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, 6 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, माइनस है तो माइनस आएगा। अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये देखो एकदम ध्यान से, 3 + 3, 3 × 2 = 6, तो क्या बचा यहाँ पे 7 इंटू, यहाँ पे क्या बचा है -2/8 × 1। ओके, यहाँ पे 1 है ना, फिर 7 × 2 = 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 1 = 8। क्या हम इन दोनों को और भी छोटा कर सकते हैं? तो 2 × 7 = 14 और 2 × 4 = 8, यानी इसका आंसर हमको क्या मिला, 7/4। ठीक, चलो अभी अगला देख लेते हैं। तो फोर्थ सब क्वेश्चन है, यहीं पे मैं कर देती हूँ, आप लोग पूरा अपने नोटबुक में ना अच्छे से लिखना, मैं तो कहीं पे भी लिख दे रही हूँ, 2/3 डिवाइडेड बाई -4। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जो पहले कर रहे थे वही करना है, मल्टीप्लाई को, डिवीजन को कन्वर्ट कर दो ऐसे मल्टीप्लीकेशन में। अभी यहाँ पे रेसिप्रोकल क्या होगा, -4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 ऊपर 4 नीचे, माइनस है तो माइनस तो आना ही है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 2 × -1, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, 2 × -1 करेंगे तो क्या आता है -2 आता है, और 3 × 4 = 12। क्या इसको और छोटा किया जा सकता है? तो देखिए, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, यानी इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, -1/6, लिख देते हैं -1/6। ओके, फोर्थ सब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी अगला देखेंगे, तो अगला है, देखो अगला क्वेश्चन है 2 integer 1/5 डिवाइडेड बाई, थोड़ा 2 को इधर लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 5 integer 3/6। ओके, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, 5 integer 3/6। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो इसको क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, +1/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, फिर +3 आएगा अपॉन 6, 5 × 2 = 10, +1/5 डिवाइडेड बाई 6 × 5 = 30, +3/6, उसके बाद 10 + 1 = 11/5 डिवाइडेड बाई 30 + 3 = 33/6। ओके, उतना समझ में आया? अभी आप क्या करोगे, तो यहाँ से ये जो डिवाइड है ना इसको हटाओ, तो 11/5 इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, तो रेसिप्रोकल आएगा, यानी कि 6/33 है ना, 6 ऊपर 33 नीचे। अभी आप इसको आगे सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, और फिर यहाँ पे क्या बचा है, 1/5 × 6/3। तो देखो एक काम करते हैं, ये जो 6 है ना इसको 3 से कैंसिल किया जा सकता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, मतलब हमको आंसर क्या मिलेगा, 1 × 2 = 2, और 5 × 1 करेंगे तो 5, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे करके करना है। अभी यहाँ पे 3 और सब क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर मैं बचे हुए क्वेश्चंस भी बता देती हूँ। तो ये है आपका 6 सब क्वेश्चन। तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखो -5/13, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, तो रेसिप्रोकल आएगा, यानी कि 26/7 हो जाएगा। अभी
देखो 13 वन 13 13 2 26, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -5/1 × 2/7, तो अब क्या होगा, तो -5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, चलो करते हैं, -5 × 2, 1 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, तो -5 × 2 करेंगे तो -10/1 7 7, ओके। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, समझे। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, सेवेंथ वन, -8, ओके। तो चलो करते हैं इसको भी, यहाँ पे लिखेंगे 9/11, फिर इसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, 8 आएगा नीचे, माइनस है तो माइनस वो तो आएगा ही। अभी 9 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, 9 × -1 11 × 8, 9 × 1 9, माइनस है तो माइनस, माइनस 9/88, 11/8 का क्या होता है, 88 होता है ना। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी यहाँ पे एक और लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, ये भी मैं फटाक से बता देती हूँ, ठीक है। वैसे ये वाला आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, 2/5, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो बहुत ही सिंपल है, ये भी यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 5 लिख दो, और ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 5 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए और 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर सकते हो, ठीक है। 5 5 25 1 2 2, तो इसका आंसर क्या है, 25/2, समझ में आया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस ए 22 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।